उनकी मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने संशोधन राज्यसभा लोकसभा दोनों में दिया। बीएसपी भी उसका विरोध कर रहा था, समाजवादी भी उसका विरोध कर रहा था, किंतु धन्यवाद प्रस्ताव के टाइम जब डिवीजन की बात आने लगी तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखें, तो उन्होंने बहिर्गमन किया अर्थात वॉकआउट कर गए। ये पोल खुलती है कुछ विपक्षी दलों की या कुछ सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों की, जो कहने को तो कहते हैं पर जब समय आता है वोट का, सरकार को सेंसर करने का, तो भाग खड़े होते हैं। आज वही धन्यवाद प्रस्ताव राज्यसभा में भी आने वाला है, प्रश्नकाल के बाद उसका जवाब होगा, यहां पर भी वोटिंग होगी, क्योंकि करीब करीब सारे दलों ने, तृणमूल कांग्रेस ने भी और सहयोगी दलों ने भी और विपक्ष के दूसरे दलों ने इसका संशोधन दिया हुआ है एनसीटीसी पर। हम देखते हैं वहां पर भी क्या कार्रवाई होती है और क्या रुख रहता है उनका। दूसरी बात माननीय आडवाणी जी ने एक बताते हुए कही कि हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसके बारे में तरह तरह की प्रचार विभिन्न तंत्रों से और यंत्रों से किया जाता है और उनको किसी तरह किसी षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश बहुत दिनों से चल रही है और सरकार को घेरने की, गिराने की, खत्म करने की कोशिश चल रही सरकार की, उन सबके विपरीत सैकड़ों वर्षों में कभी टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर किसी राष्ट्रीय नेता का की तस्वीर छपती है। आडवाणी जी ने अपने स्मरण से बताया कि गांधी जी की एक बार छपी थी और उसके बाद उसके मुखपत्र पर नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर छपी है और उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और भारत के भविष्य और गुजरात के भविष्य के साथ साथ इस नेता के भविष्य के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि जब उनको मिलने आई थी स्टेट सेक्रेटरी तो सवाल उठा था कि क्या अमेरिका का वीसा कभी नरेंद्र मोदी जी ने अप्लाई किया था क्या, आडवाणी जी ने पूछा था उनसे, तो उन्होंने अपने अधिकारियों से पूछा कि क्या कभी नरेंद्र मोदी जी ने, ये जो प्रचार होता है कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीसा नहीं दिया, क्या कभी नरेंद्र मोदी ने, रिकॉर्ड क्या बताते हैं कि उन्होंने कभी वीसा के लिए अप्लाई किया अमेरिका के, तो उनके अधिकारियों ने कहा कि कभी भी उन्होंने वीसा के लिए अप्लाई नहीं किया। तब उन्होंने कहा तो अगर कभी अप्लाई नहीं किया तो उसके रिजेक्शन का प्रचार क्यों किया गया अमेरिका से और मीडिया के माध्यम से कि अमेरिका उनको वीसा नहीं देना चाहता, क्योंकि जब उनको इन्वेस्टर्स की या गुजराती समाज को एड्रेस करने की बात हुई थी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो एड्रेस करते हैं। तो इस बार तब फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अमेरिका के एक सेनेटर ने चिट्ठी लिखी थी जिसके जवाब में हमने कहा था कि इन प्रावधानों के तहत ऐसे कोई व्यक्ति को वीसा नहीं दिया जा सकता, उनका कानून है, कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीसा नहीं देना, ऐसा कोई निर्णय अमेरिका का नहीं है और कभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया।